मुकद्दर ते करोड़ा सलाम जिस बंदे दे पीर दा नाम सजा दे, जिस बंदे दे पीर दा नाम। तुहाडे मेरे छेवें इमाम दे कोल एक बंदा आया, बुलंतर सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तुहाडे मेरे छेवें इमाम दे कोल एक बंदा आया, मौला सजाद किस नूं आखदे ने, जिस दे पीर दा नाम सजाद है। सजाद किस नूं आखदे ने, बादशाह फरमाया एक लफज़ साजद, एक लफज़ सजाद। बादशाह साजद किस नूं आखदे ने, शहनशाह फरमाया जिस बंदे दे सजदे करन नाल उस दे मत्थे ते निशान बन जावे उस नूं साजद आंदे ने, ते जिस बंदे दे सजदे करन दे नाल उहदे हाथ मत्थे घुटनिया ते निशान बन जावे उस नूं सजाद आंदे ने। उसनों सजाद अच्छा बादशाह सजदा कैसा कर दें? वेखो असी अली बादशाह दे पुत्रां दा सदका रिजक खाने हैं, असां ते उन्हां दी सुना खानी करनी करनी है। तुसां पीर अली दे नारे मारने मारने, लेकिन गल ते ओ जिहड़ी दुश्मन करे। अच्छा इमाम सजाद ये जुमला है अलामा अली रजा रिजवी साहिब दा, उन्होंने फरमाया कि इमाम सजाद एक रोज सजदा पे कर दिन ते सजदे च इतने मसरूफ हो कि शैतान सप की शक्ल च आया, इमाम सजाद दे पैर दी अंगल नू इस मुंह च लिया ते सैयद सजाद महसूस ही नहीं किया। इयो शैतान एक रोज अल्लाह दी बारगाह च हाजिर हो के आंदा, मेरा अल्लाह मैं तेरे बड़े बड़े साजद वेखे लेकिन सजाद जैसा साजद नहीं वेखा, लेकिन सजाद जैसा साजद नहीं वेख्या। एक गल है मैं जो आख्या है उस बंदे दे नसीब दे क्या कहने जिस दे पीर दा नाम सजाद है। अच्छा बादशाह दा एक नौकर है नाम इसका जैद है, तो जिन्ना फिर मनिया साइया उन्हें अपने बख्तां ते फखर भी किया है, हर वेले मौला दी बारगाह च बैठा रहिंदा है ते दिदारे सैयदो साजदीन करदा रहिंदा है। हाँ इहदा ठरदा है इमाम सजाद दे कोल ही बैठा रहिंदा है, ते अगर बारगाहे सैयदो साजदीन तू घर वंजे, आखिर दुनियादार बंदा ही ना, घर जावना भी जरूरी है, ते घर वंजे ते रस्ते च नारे मारिया वाह वाह किरदा बाबा तू बहु वड्डा लजपाल है, वाह वाह किरदा बाबा तेरे क्या कहने। ते एक रोज घर आया इस दी जिहड़ी जोजा है ना वो आँदी है हर वेले जो नारे मारना है ते बारगाहे सैयद साजदीन च बैठा रहना है ते घर के हालात ते वेख परेशान नहीं होया, बीवी दे मुंडे ते हाथ रख के आंदे परेशान ना हो, अल्लाह करम करे सिया सजाद दा सदका। वाह वाह क्या कहने, जिंदाबाद जी जिंदाबाद, क्या कहने, अल्लाह करम करे सिया सजाद दा सदका। चटुरिया वाता के मौला दी बारगाह च खलोता है, इवें आखर ते खलोता है, ते अज बादशाह इस नूं वखरे ज रंग च वेख्या। शहनशाह फरमाया ए जैद नूं बुलाओ, टुरदा टुरदा इमाम सज्जाद दे सामने आया, बादशाह मुस्कुरा के आंदे ए जैद रोटी खानियां ते देवां, रोटी खानियां ते देवां। आंदा मौला तुसां दियो ते कौन इनकार करे, मौला अगर तुसा मेरे पास वेखो बुजुर्गो, मौला तुसा देवो ते कौन इनकार करे, अगर तुसा दें देओ ते मेरे बख्त न। बादशाह दुए नौकर नूं आख्या मेरे हिस्से दियां जिहड़ियां दो रोटियां पईयां होईयां इन्ना ओ चा जैद नूं दे, रोटियां आ गईयां रुमाल च बंद जैद दे हवाले, इवें तलीत रखियां ते बादशाह आले पासे वेख के आंदे मौला अगर इजाजत दें दियो ते घर लै जावां। हाय 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 जवाब सुनना सैयद साजदीन दा, सैयद फरमाया जैद अगर एथे खावे ते तेरा ए घर लै जावे ते नस्लां दा रिज़्क आई। किबला रोटियां लईयां टुर पिया घर आले पासे, बाजार च आया ते एक जवान जिहड़ा उच्ची उच्ची आवाज ला रहा है कोई है मदीने च,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਢੇਰੀ ਨਮਕ ਦੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੈਦ ਰੁਕਿਆ, ਜ਼ੈਦ ਸੋਚਿਆ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਏ, ਇਹ ਨਮਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਏ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਮਕ ਲਿਆ, ਦੂਈ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਠੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੈਦ ਮੁੜ ਕਿਆ, ਆਂਹਦਾ ਏ ਰੋਟੀ ਬਚ ਗਈ ਇੱਕ, ਮੱਛਲੀ ਏ ਢੇਰ ਸਾਰੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਜਣਾ ਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਵੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਛਲੀ ਲਈ, ਉਸ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਠੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਲੱਜ ਪਾ ਲੇ। ਅੱਛਾ, ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝ ਆਈ, ਉਸ ਡਿੱਠਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਯਦੂ ਸਾਜਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਟਾਇਟ ਨੇ, ਲੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ। ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਤਨੇ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰ, ਸਜਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਈ, ਸਜਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਰਾਸ਼ਨ, ਛੁਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਮੱਛਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੱਛਲੀ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਛੁਰੀ ਚਾਹੀ ਸੂ, ਚਾਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ, ਇਵੇਂ ਮੱਛਲੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਚਾਕੂ ਉਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਆ ਸੂ, ਨੋਕ ਤੇ 2 ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ। ਜ਼ੈਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਮੱਛਲੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਵਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਲੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖਣੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਮੋਤੀ ਲਪਕ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਤਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੋਤੀ ਵੇਂਦਾ ਏ, ਵੱਤ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦਾ ਏ, ਵੱਤ ਮੋਤੀ ਵੇਂਦਾ ਏ, ਵੱਤ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ? ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹਨ, ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦਾ ਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹੋ ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਇਹੋ ਜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਢਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਇਹੋ ਜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਢਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਵਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਵੈਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੰਜ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੱਤ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਵਗਰਨਾ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੋ ਭਰ ਸਕਣਾ ਤੂੰ ਭਰ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਯਮਨ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ, ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਕੱਪ ਕਪੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਐ ਲੈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੀ, ਗੱਠੜੀ ਬਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਤਿੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਆਇਆ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਏ। ਬੀਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰ, ਐ ਲੈ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ, ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਵੇਂ ਦੋਏ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਏ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਸੁ ਵੇਖਿਆ ਕਿਆ ਏ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ।
ਜ਼ੈਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਈ? ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਜ਼ੈਦ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਈ ਆਈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਮਕ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਮਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਰੋਟੀ ਲਈ ਆ ਕੇ ਦੋਏ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਵੱਧ ਦਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਵੱਧ ਜ਼ੈਦ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ। ਜ਼ੈਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੈਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆਈ, ਲੈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੱਛਲੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੱਛਲੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਦੋਏ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਮਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ, ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਦੋਏ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮੁੜ ਪੈਸੇ ਪੇ ਗਿਰਨੇ। ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੈਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਨਮਕ ਲਾਈ, ਦੂਸਰਾ ਮੱਛਲੀ ਲਈ, ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਜੋਹਰੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਕਾਣ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਡਿੱਠਾ ਇਮਾਮੇ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਦੁਆ ਨੌਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜ਼ੈਦ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਆ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੈਦ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਮਾਮੇ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸਾਂ ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਸੀਦਾ ਵਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਸੀਦਾ, ਵੱਤ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਸੀਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ, ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਨਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੰਨਤ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਤਮੀ ਦਿਲ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਕੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਮੈਂ ਭਟਕਾ ਰਹਾ, 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 ਦਰੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਛੋੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਕੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਮੈਂ ਭਟਕਤਾ ਰਹਾ, ਦਰੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਛੋੜ ਕਰ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ ਅਦਾ ਕਰੇਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ ਅਦਾ ਕਰੇਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ ਅਦਾ ਕਰੇਨਾ। ਮਾਤਮੀ ਦਿਲ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਅਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਸਜਦਾ ਕੀਆ, ਅਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਸਜਦਾ ਕੀਆ, ਅਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਸਜਦਾ ਕੀਆ, ਅਲੀ ਕੀ ਵਿਲਾ ਛੋੜ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਮਾਣ। ਮਾਤਮੀ ਦਿਲ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੇ ਪੇ ਜਾ ਕਰ ਕਮਾਤਾ ਲਾਨਤ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਲਾ ਕੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਮੈਂ ਮੁਸੱਲੇ ਪੇ ਜਾ ਕਰ ਕਮਾਤਾ ਮੈਂ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਬਤਾ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ
हो कैसे अदा असल सजदगा छोड़ कर। लो जी इस शेर वास्ते मैं एक सीधा शुरू किया ने वी सफर मुजफ्फरपुर का काफिला ये आंदे ने आलम चौंक दे विच हमला होया। अच्छा जी सरकार ओ हमले तो बाद बंदियां ने ओ रोकना ही जलूस अपने हिसाब किताब नाल पिस्तौलां रखी हुई औजार रखे हुए डंडे सोटे कुछ रखी हुई ते ओ मातमियां नूं मोड़ भी नहीं रोक सके। असा हर ड्यूटी आले बंदे आ सरकार ड्यूटी ते वंजे आ गले दिहाड़े ते एक बंदा आ गया मेरे कोल आंदा यार ये जेड़े तुसी शिया हो तुहाडी एक गल दी समझ नहीं आंदी। मैं क्यों केड़ी है तुहानूं ते साडी किसे गल दी समझ नहीं आंदी। आंदा यार ये पैसे दा को मसला होवे कोठीकार दा मसला होवे शिया पिछे हो जांदे ने लेकिन जदा शबीर दा नाम आवे ना जदा हुसैन बादशाह दा नाम आवे ये शिया मर जांदे ने पिछे क्यों नहीं हटदे। उत्थे मैं वेख्या वीडियो च ये शुक्र है ये उत्थे जा रहे हैं तुहानूं लैके वेखना एक शेर मैं शुरू ही इस वास्ते कीता लाला जी उसका क्या जी गड्डी कोठी का मसला होवे तो पिछे हो जाते हो शबीर का ना तो मर जाते हो क्या वजह है। ये सवाल साढ़े एक अलामा साहब तो होया अलामा जमीर अहतर नकवी साहेब बंदियां चलाकी नाल ना उन्होंने बोल टीवी ते बुलाया तो ये गल तो अपनी सियालकोट वाली भी जेहन च रखनी है तो उन्होंने भी जेहन च रखनी है तो दोनों मिला के मैं एक शेर पढ़ना है। उन्हें कहा किबला असी तुहाडे नाल इतिहाद कायम करना चाहते हैं। किबला फरमाया किंज उन्हें कहा तुसीं साडे पीरां दा नाम चाहो असी तुहाडे नाल चाहते हैं मुमकिन है साडा तुहाडा इतिहाद हो जाएगा। किबला फरमाया साडी मजबूरी असी अली तो बाज किसी का जिक्र कर नहीं सकते हो सके वजह क्या है आंदा किसी होर का जिक्र करिए बंदे उठ के डर जाते हैं ये मजमे जिक्र अली तो कट्ठे होंगे उस पुछया तुहाडे पीर च ते साडे पीर च क्या फर्क है। किबला ते भी सवाल होया ते मेरे ते उस ड्यूटी वक्त उस बंदे भी सवाल किया तुहाडे पीर च ते साडे पीर च क्या फर्क है। मैं उहदे बंदे वाले पासे वेख के आंदा है मेरे पीर ने तो है बल को तोड़ा तेरा पीर वो है जो जंगल से दौड़ा। ये शुक्र है मुजफ्फरपुर उस बंद ने वीडियो बना ली उन्होंने बंद ये पता लग गया जिवें इन्हां दे पीर बचे नहीं वे बचे मेरे पीर ने तो है बल को तोड़ा तेरा पीर वो है जो जंगों से दौड़ा ये साबित हुआ सब हिना मर्द थे बस ये साबित छोड़ कर रहा भाई हिना मर्द थे बस अली मुर्तजा छोड़ कर। इवें अली बादशाह का एक नौकर है नाम मुख्तार है इश्क अली दे जेवर पाए हुए इब्ने ज़ियाद लानती दे दरबारे चाहे आंदे तैनू कतल कर दे जिवें बंदियां ने पिस्तौलां विखाइयां तुहानू उन्हें आखिया तुहानू कतल कर दे जनाबे मुख्तार मुस्कुरा के आंदे ओए तेरे जिहा एक कमीना नहीं मारिया तू मैनू किवें मार सकदा है हो सकया तेनू कतल कर दे तेनू कतल कर दे तेनू कतल कर दे जनाबे मुख्तार ये आले पासे वेख के आंदे बकवास बंद कर तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है मेरी जिंदगी का मुहाफिज अली है। बस
बहुत सोहना तुसा सुनिया बानियान दा हुक्म तो को जोर है उन्हें आख्या लम्मा पढ़ो लेकिन मेरे दादा उस्ताद हैं प्योवां दी जाए अजादरान मजलूम में करबला त्रै सियां बीबियां गुजरियां जिन्हां नूं बाद बाबे दे मुसलमाना बड़ा ही मारी हिक दी है नबियां दे सुल्तान दी जिसनूं बाबे दे वंजन दे बाद बाबे दे दरबार च मारिया ने हिक दी है अली दी जिदे वीरां नूं मारन तो बाद हर बाजार च मारिया ने ते हिक धी आई शबीर दी जिसनूं बाबे दे बाद हर जात मारिया ने हज़रत मज़लूम करबला ए आयामे सैयदाइन बीबी दे शहादत दे दिहाड़े मैं बड़े मोमिनीन नूं वेख्या ए जो मोमिनीन आंदे ने यार वह फलां बंदा साड़ी मजलसे च नहीं आंदा वह फलां बंदा मजलसे च नहीं आंदा यार ना आखी करो जिस बंदे नूं अली ना आवण देवण वो किवें बीबी की शहादत दे विच आके शिरकत कर सकदा ये बीबी की एक वसीयत है जिहड़ियां इतनी 40 वसीयतां कीतियां जो उन्हां चों एक वसीयत बीबी फरमाया या अली मेरे जनाजे च ओ ना आवण जिन्ना मेरे बाबे ने जनाजे च नहीं शिरकत कीती रोखियांदी नबी दी धी बादशाह ओ भी ना आवण जिन्ना मेरा मोहसन मारिया हज़रत ने मजलूम करबला हर जात मारिया ने हर बाजार च मारिया ने हर निर्वार च मारिया ने ते हर बीबी नू मारिया ने अज़ादा जिस नू सब तो ज्यादा मारिया ने ना ओ हुसैन सखी दे सीने दा तवीज आई शाम दे सफरां ते शिमर ने घोड़े दे मुंह ते ताजियाना मारिया उमर इब्न साद आंदा ओ कमीना जानवर दे मुंह ते ना जुलम कीते कर उस आखिया क्यों ना करा उस आखिया तेनू नहीं पता जानवर मुंह नाल अल्लाह दी तस्बी करदा है होवे मातमी हाय ना करे रुनी ए चौं सालां दी सैयदादी जनाबे सजाद दे पासे वे के आंदी सजाद इनू आख मैनू मुंह ते ना मारे मैं ही मुंह नाल अल्लाह दी तस्बी वाह वाह सजाद उथे मरेंदा है जिथे बाबा बोसे देंदा अजादरान ने मजलूम करबला हाय हर वक्त हाय बाबा हाय बाबा दे वैन कड़िया ते एक रोज जनाबे आलिया दे कोल आ गए अम्मा जी मेरी धी मसूमा अम्मा धी मरदी होवे अम्मा घर आले तू कुछ मंग घर आले देन देन रुनी अली शहनशाह दीदी मसूमा सैनू हां अल्लाह कहंदी हां मसूमा देन देन वसदे होण ते जरूर देन देन ते रो कहंदी अम्मा मेरा है आखरी वेला मिन्नत लहा एक दफा बाबा मिला वाह 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 बहुत सोहनी तैयारी कर आयो एक दफा बाबा मिला बीबी आंदी मसूमा खुदा यतीम दी दुआ रद्द नहीं करदा सदवा मंगो मैं आमीन आंदियां अजादरा ने मजलूम करबला दोरी रस्सी च हाथ बदे हो शबीर दी धी दे ओखे हाथ सीधे करके आंदी नाने मुहम्मद अल्लाह एक दफा मैनू बाबा मिला अजादारा इंज आखां जो दुआ हो गई कबूल इन्हां कमीनियां सैयद सजाद नू दरबार च बुलाया सजाद ये जेड़ी हाय बाबा दे वैन कर दी तेरी क्या लगदी है रुन्ने बाखिर दा बाबा ते रोके आंदे मैं गरीब दी भैण है सजाद को तू चुप करावना है जे असी करावीए सैयदान ने नो कमीना जिस चंद कदमां ते बाबा कुहींदा डिठा होवे ओ धी किवें सबर कर सकदी है लेकिन मैं वक्त दा इमाम ए जमाना मैं तजवीज देना तू अमल कर
वादा रहा। उस तो बाद नरोसी आंदे क्या गारंटी है नरोसी रुन्नी सजा तरो के आंदे ना होसी ना रोसी उस बचना ही कोई नहीं। अजादारा मिल गया सार ताश तेज सार मिलिया उत्ते रुमाल टुरदे रात सजद सजाद पुत्र बाकर दे पास वेख के आंदे ने बाकर जी बाबा सैयदान ने दादे दे चेहरे तो रुमाल हटा ना मैं वेखा पुत्रा मोयां दे चेहरे क्यों जे होंदे। अजादारा हाय तेरे वास्ते चे ते हाय कर देना अजादारा हुन रुमाल हटिया ते सैयद सजाद डिठे सारे चेहरे ते जरबा ही जरबा। वाह 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 दंदान मुबारक शहीद आबरू कटे हुए जख्मां च जख्म हुसैन सखी अखां खोलियां सैयद सजाद निठा है सजाद जवानी च बुढ़रा हो गया है। रुन बाकिर दा बाबा ते रो के आंदे बाबा दा मुहर्रम हा वीर अली अकबर वदा लड़दा बाबा अकबर जीन छोड़ी तुहाडी दाहड़ी दा रंग क्यों बदल गया। उस वेले रुन्नन हुसैन बादशाह ते रो के आंदे मैं जवान पुत्र दे सीने चू बरछी दा फल छिकया। और रुन्न सजाद ते रो के आंदे बाबा जवान पुत्रां दे सीने चू बरछियां दे फल छिकने सोके मावां बैणा पुफियां नाल कदे उस बाजार बाबा कदे उस बाजार वंजना बड़ा ही औखा। सुभान अल्लाह मां हुसैन दी हर किसे नू अजरे अजीम अता फरमावे। अजादारा आ गया सार जिंदान च अम्मा लिया जी मेरा सजाद अम्मा मेरी बहन किन गई है सजाद हो वेख पत्थरां दा सराणा बना के सुती हुई है। सैयदान दे ना मसूमा जी मेरा सजाद सुमा वेख ना बाबा मिलन आया ही। बीबियां दी सजाद जदा बाबा सफरां ते वेंदा ही ना ते बाबे दी तबीयत च थकण आउंदी आई ते बाबा आके मैनू अपने सीने ते समांदा मेरे बाबे दी थकन दूर हो जांदी है। रुन्नी है हुसैन सखी दीदी डाडा वैन करके आंदी सजाद आज मैं उम्मत दी थकाई होई हां हिक दा हिक लाजा मेरे सीने ते सर रख। अजादारा सर लिया कदे बात नू महसूस करो तुहाडी या मेरी धी या मेरी बहन चौं सालां दी होवे तेरा मेरा कटिया सर उसकी झोली च होवे। अजादरा ने मजलूमे करबला कले कटिया होया सर लिया मिट्टियां ते लेट गई है रो के आंदी बाबा इन्हां तेरे बाद तेरी धी नू बड़ा मारिया बाबा इन्हां उथे टराया जिथे उठ नहीं टुर सकदे बाबा जिस तैनु मारिया उस पूरे राह चाल या मां अम्मा नू मारिया रो के आंदी बाबा तेरे कातल दा हाथ भारी है मेरा चेहरा छोटा बाबा ओहदे तमाचे नाल तेरी धी दी दीद मुक गई है। अजादारा मिडी सैन वैण करदी रही है हुसैन सखी अखां नहीं खोलियां हुण मेरी सैन बाबे दा सर चाया सर चा के आंदी बाबा दा मुहर्रम हा तुसां आखे मेरे बहणां दा मेरे बाद मेरियां बहणां नू तकलीफ न देवी बाबे दा सर मोड़ के हर बीबी दे पासे करके आंदी बाबा ओ वेख तेरियां बहणां बैठियां नी बाबा ओ तेरियां धीआं नी बाबा ए सारियां बीबियां ने बाबा इन्हां नू पुछ लै मैं किसे नू कुछ नहीं आखिया हुण बाबे दा सर अपने पासे मोड़ के डाडा वैन करके आंदी बाबा इन्हां नू कुछ नहीं ना आख्या बाबा मैनू वेख मैं बुढ़री हो गई हां। वाह 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 बाबा इन्हां तेरी धी नू बड़ा मारिया। अजादरान ने मजलूम करबला हुण शबीर सखी अखां खोलियां सैयदान दे मसूमा जी मैं उजड़ी दा बाबा सुमा मेरे बाद किवें वधी नहीं वधी आई। रुन्नी शबीर सखी दीदी बीबी आंदी बाबा धी रोल गई आई ओ विच सफरां दे ते इसमत दा पाक नगीना मैनू छोटी कै दनिया भूल गए ना हम मसूमा बाबे दे सर
दे पास वे क्या बाबा अखां कोल हुसैन अखां कोल ये मेडिसिन मिट्टियां ली इशारा करके आंदी बाबा मैनू मिट्टियां दे ओ नहीं निंदारांदी ते नहीं लभदा ते रासी ना जेड़े ईद डडी हाय वो पवाएन ओ दोर गेन गे आईशमा हर कमीना बीबियां दी बाबा इना दे जुल्मां दे गवाह भी तेरी धीद कोला ने मसूमा केरे गवाह ना खां खोल बाबा रुख सार गवाह ओ हेन दी तेरी दे ओ जेड़े शामी अजुला हम कमाए पहला दुर लाले अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम।